जब मैं कॉलेज में लेक्चरर की जॉब कर रहा था तो एक दिन मुझे स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के आइडियाज को रिव्यू करने के लिए बिठा दिया। अब सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बनानी थी, लेकिन एक ग्रुप का आइडिया ऐसा था कि रेगुलर ईवीज की तरह उनके ईवी में भी एक मोटर लगा होगा विच विल पावर द रियर व्हील्स ऑफ द कार, और इस मोटर को चलाने के लिए डेफिनेटली एक बैटरी पैक यूज होगा, लेकिन आगे के व्हील्स के साथ एक जनरेटर लगा होगा जो गाड़ी चलते वक्त इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके बैटरी पैक को रिचार्ज करेगा। ये सुन के पहले तो मैंने उनको रोक लिया और बता दिया दैट इट इज अ बैड आइडिया, not because it seems like a perpetual motion machine but because the performance of the EV would be better without that extra generator. aur yahi baat Hyundai ne apne naye EGMB platform ke through prove kar diya hai. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में परमानेंट मैग्नेट बेस्ड मोटर्स यूज होती है, बेसिकली PMSM और BLDC मोटर्स, और इनमें मैग्नेट को रोटर पे लगाया जाता है, और इनके वर्किंग के बारे में तुमने ऑलरेडी ये बुक पढ़ के सीख लिया होगा। साथ में इस बुक के अंदर दिए गए QR कोड को स्कैन करके तुमने इन दोनों मोटर्स के वर्किंग का वीडियो देखकर अच्छे से समझ लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो यू नीड टू गेट दिस बुक राइट नाउ। नाउ बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब गाड़ी मोशन में होगी लेकिन मोटर को बैटरी बैक में से इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिया जाएगा, तब रोटर के इनर्शिया की वजह से मोटर की स्टेटर वाइंडिंग्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा विच विल हैव इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। नाउ दिस जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड विल इंटरफियर विद द रोटर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड इट विल ट्राई टू रेजिस्ट इट्स मोशन। दिस इज द सेम रेजिस्टेंस विच इज यूज्ड फॉर रीजेनरेटिव ब्रेकिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ऑल्सो एवरी मोटर दैट यूजेस परमानेंट मैग्नेट्स कैन वर्क एज अ जनरेटर, और इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम इन्हें मोटर जनरेटर यूनिट कहते हैं। लेकिन जब गाड़ी के आगे के पहियों के साथ एक एक्स्ट्रा जनरेटर हमने लगा दिया और जब वो मोशन में होगी, तब यही जनरेटर पावर ट्रेन पर रेजिस्टेंस ऐड करेगा, जिसे ओवरकम करने के लिए मोटर को और भी ज्यादा टॉर्क देना पड़ेगा। दस इट विल कंज्यूम मोर एनर्जी फ्रॉम द बैटरी पैक, मेकिंग दिस एंटायर सिस्टम क्वाइट इनएफिशिएंट। ऐसी दिक्कत ना हो इसीलिए Hyundai ने अपने EGMP प्लेटफॉर्म में काफी सिंपल सॉल्यूशन दिया है। Hyundai का EGMP प्लेटफॉर्म इज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म, जिसके बेसिस पर Hyundai बहुत तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना सकती है, रेंजिंग फ्रॉम हैचबैक सेडान्स टू फोर व्हील ड्राइव SUVs व्हिच विल शेयर ऑलमोस्ट द सेम लोअर फ्रेम मेंबर्स, जिनकी सिर्फ लेंथ को वेरी किया जाएगा। अब इनकी जो फोर व्हील ड्राइव SUVs होंगी उनमें भी आगे एक मोटर जनरेटर यूनिट लगा होगा, और यही फ्रंट मोटर जनरेटर यूनिट को Hyundai मैकेनिकली डिस्कनेक्ट करेंगे विद सर्च डीकपलर व्हेन द व्हीकल इज ड्रिवन इन टू व्हील ड्राइव मोड, which gives them an advantage of 6-8% improvement in efficiency, leading to an increase in the range by almost 18 miles, मतलब कि 28 किलोमीटर। एक मिनट, I agree कि ऐसे फ्रंट व्हील पे जनरेटर लगा के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रेंज घटेगी, लेकिन इस जनरेशन की फॉर्मूला ही कार्स के आगे के व्हील्स पे ऐसा ही एक जनरेटर लगा हुआ है, और FIA के रूल्स के हिसाब से वो फ्रंट व्हील पे लगे हुए इस जनरेटर को डिस्कनेक्ट भी नहीं कर सकते। तो फिर फॉर्मूला ई कार्स में कॉर्नर से निकलने के बाद एक्सेलरेट करते वक्त यही फ्रंट जनरेटर रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा? दैट इज अ गुड क्वेश्चन, एंड ऑनेस्टली फॉर्मूला ई कार्स के फ्रंट जनरेटर यूनिट को इलेक्ट्रॉनिकली डिस्कनेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज लाइक डीकपलिंग सर्किट्स और ट्रिगरिंग द मॉस्फेट्स ऑफ द मोटर कंट्रोल यूनिट एट सच पॉइंट दैट इट कैन ओवरकम द बैक EMF, अलाउइंग द रोटर टू रोटेट फ्रीली विदाउट क्रिएटिंग एनी रेजिस्टेंस। बरोबर, इसके बारे में एक्चुअली मुझे नहीं पता था, बट आई कांट वेट फॉर द नेक्स्ट सीजन ऑफ फॉर्मूला ई, क्योंकि तब इसी जनरेटर को मोटर की तरह यूज कर पाएंगे। मैं भी नहीं वेट कर सकता। Anyways, so instead of making a project of using an extra generator on the front wheels or anywhere in the car, which is a bad idea, ya to us generator ko mechanically disconnect karne ke liye koi mechanism add karo, ya fir aise decoupling circuit pe tum ek alag se project banao. But of course it will be difficult to achieve such thing in your bachelor's, even electrical or electronics engineers ke liye ye difficult hoga, lekin apne master's ke project ke liye ye definitely kar sakte ho. अब यहाँ पे तो हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल को कंसीडर किया था, लेकिन यही सेम पॉइंट हाइब्रिड व्हीकल पे भी इंप्लीमेंट होगा जब गाड़ी पूरी तरह से इंजन पे चल रही होगी, तब उसमें भी मोटर जनरेटर यूनिट बैक EMF जनरेट करके पावर ट्रेन पे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर सकता है। सो हाइब्रिड में भी इस मोटर जनरेटर यूनिट को डिस्कनेक्ट करना जरूरी है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एडिंग एनी मोर रेजिस्टेंस ऑन द पावर ट्रेन व्हेन द बैटरी डज नॉट नीड टू बी चार्ज। लेकिन अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लेकिन इंजन के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट करना है, तो तुम इंजन के रेडिएटर को रीडिजाइन करने की कोशिश कर सकते हो फॉर इंप्रूव्ड कूलिंग, जिसके बारे में तुम्हें अब ये वीडियो देखकर जान लेना चाहिए। एंड आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM।